तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था, मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं जहां पर मैं बताने वाला हूं टोटल खर्चा कितना हुआ मिनोक्सीडिल में। जी हां फ्रेंड, आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, एक साल हो गया आपको मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल करते हुए और अब तक आपने कितना खर्चा किया। तो आज की इस वीडियो में टोटल खर्चा आपको दिखाने वाला हूं, वो भी मिनोक्सीडिल के साथ में, क्योंकि जब से मैंने मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल करना शुरू किया तब से आज तक मैंने एक भी डब्बे को फेंका नहीं है, अपने पास रखा हुआ है। और आपको कंप्लीट मैं डिटेल यहां पर दूंगा कि मैंने अब तक कितना खर्चा किया मिनोक्सीडिल में। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा मैं मिनोक्सीडिल मैंने कौन कौन सा यूज़ किया, उसके बाद मैं कहां से ऑर्डर करता था। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भैया आप ऑनलाइन कहां से मंगाते हो, अक्सर मैं उनको यही जवाब देता हूँ, भाई मैं फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। आज तक मैंने जितने भी मिनोक्सीडिल मंगवाए हैं सारे के सारे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हुए हैं। फिर मैं आपको बता दूं, मैं मोर या 5% काफ़ी लंबे समय तक मैंने यूज किया था। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक मैंने दोनों टाइम मिनोक्सीडिल का यूज किया था, उसके बाद अभी मैं 1 टाइम यूज करता हूँ, सिर्फ दिन में 1 बार यूज करता हूँ, वो भी रात को सोने के टाइम पे। आप में से कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि भाई मिनोक्सीडिल आप कितनी बार यूज करते हो दिन में, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं मोर या 5% और मार्स का मिनोक्सीडिल मैंने अब तक इस्तेमाल किया है। मार्स का मिनोक्सीडिल मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास जो है वो है मोर या 5%। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो मैंने इतना सारा मिनोक्सीडिल यूज किया है अब तक, और जितने भी इसमें आपको रैपर दिखाई दे रहे हैं सभी डब्बे मैंने फेंके नहीं, जिसमें से 2 मिनोक्सीडिल अभी भी मेरे पास इसमें भरा हुआ है। मोर या 5% आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मोर या 5% मैंने काफी लंबे समय से यूज किया है, और मार्स का मिनोक्सीडिल मैंने एक ऑर्डर कर दिया है, दूसरा मिनोक्सीडिल मेरे पास बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिनोक्सीडिल का डब्बा गिन लेता हूँ, मैंने अब तक कितना डब्बा इस्तेमाल किया, उसी हिसाब से आप पैसों का आंकड़ा लगा सकते हो। हालांकि मैं खुद खर्च बताने वाला हूँ कि अब तक मैंने कितना खर्चा किया है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो, ये 7 डब्बे हैं मिनोक्सीडिल के, जो कि मैंने लगातार कंटिन्यू यूज किया था। एक 8वां डिब्बा है मार्स के मिनोक्सीडिल का। तो आप देख सकते हो मैंने अब तक टोटल 8 मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल किया। एक साल तो पिछले महीने में ही कंप्लीट हो गए थे मुझे मिनोक्सीडिल का यूज करते हुए, अभी ये 13 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट वीडियो हेयर रिग्रोथ के रिजल्ट के बारे में ही होगी। जितनी बार मैंने मोर या 5% का ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, उतनी बार मैं आपको बता दूं 725, 750 इसके नीचे मतलब मुझे कभी भी मिनोक्सीडिल नहीं आया। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप मोटी मोटी रकम एक जोड़ते हो, 700 रुपये अगर एक डब्बे का पकड़ते हो, 700 रुपये अगर आप 8 मिनोक्सीडिल का जोड़ते हो, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितने पैसे होते हैं, तो तकरीबन 5600 रुपये होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, 5600 रुपये मैंने अब तक मिनोक्सीडिल में सिर्फ और सिर्फ खर्चा किया। और आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हो भैया आप क्या फिनेस्टाइड की टैबलेट लेते हो, क्या आप मल्टीविटामिन टैबलेट लेते हो, क्योंकि यार काफ़ी सारे लोग सोचते हैं भैया फल उगाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी, काफ़ी सारा पैसा खर्चा करना पड़ता होगा, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, अगर आप 1 मिनोक्सीडिल 2 महीने के हिसाब से लेकर चलते हो, 1 साल में आपको 6 मिनोक्सीडिल लगेगा। मेरे पास 8 मिनोक्सीडिल है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मैंने 1 से 2 महीने तक मैंने दोनों टाइम मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल किया था, तो इसकी वजह से मेरे पास 2 मिनोक्सीडिल एक्स्ट्रा हो रहा है। और भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेना है, आपको आंवला जूस पीना है, आपको बादाम खाना है, आपको काजू खाना है, आप बाहर के फल फ्रूट साग सब्जी सारी चीज़ें तो हम लोग खुद से डाइट में अपने शामिल करते हैं। हाँ, बादाम का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, आंवला जूस आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो ये सबको अगर आप ऐड करोगे तो आप 1 साल में 10,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ आप अपने बालों के लिए खर्चा कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कभी ना कभी अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हो तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप अगर सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल करते हो और अपने बालों के लिए हेल्दी डाइट लेते हो या मल्टी विटामिन टैबलेट लेते हो या और अदर खर्चा करते हो, तो 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपके पैसे नहीं खर्च होंगे पूरे 1 साल में। मेरा बालनेस एरिया कम था, इस वजह से मिनोक्सीडिल मुझे है जो थोड़ा कम लगता है, क्योंकि 1 मिनोक्सीडिल 2 महीने लगभग चल ही जाता है, हो सकता है आपका मिनोक्सीडिल 2 महीने तक ना चल पाए। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।